गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो हम लोग लैब क्लास स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर हम लोग को क्या है, 10 है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन। तो ये चैप्टर को हम लोग लैब क्लास में स्टार्ट किए थे, लेकिन हुई क्या थी कि जैसे कि धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे नेटवर्क कभी इशू हो जा रहा था तो कभी लाइट प्रॉब्लम हो जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग को क्लास रेगुलर अच्छा तरीक़ा से जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उससे आप लोग का जो डेडिकेशन होता है और जो आप फोकस करके पढ़ाई करते रहते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से हम फिर से निर्णय लिए कि चलो जिसमें नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी 5G अच्छा तरीके से चल नहीं पा रही है, ठीक है, तो प्रॉपर जब अच्छा तरीके से चलने लग जाएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा, लैब क्लास होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक तो हम लोग बैठे भी नहीं रहेंगे, जब होगा उसमें देखा जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सभी हम लोग रिकॉर्डेड के फॉर्म पर भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हम जो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे वो 0 लेवल से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे, आप पहले कोशिश कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट आज पहला बार मेरे वीडियो में ज्वाइन हुए होंगे, आप कोशिश कीजिएगा पहले 3 लेक्चर्स को देख करके आइएगा जो लैब क्लास में लिए हुए थे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखे थे हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग जैसे चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन, यहाँ पे 2 चैप्टर से मिलकर के बना है, जिसमें से हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलो अल्केन के बारे में। तो हेलो अल्केन में यहाँ पे बोले थे कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में। और इसी प्रकार से हम लोग जितने भी 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे वो हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरिन हो, चाहे वो एल्कोहल फिनोल ईथर हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर हम लोग को नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हो, ठीक है, तो ये चारों जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चारों को पढ़ने का तरीका सिर्फ हम लोग उसको क्या करेंगे, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। जिसमें से जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो रहता है उसका हम लोग क्या चीज इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड में जो हम लोग को पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि जो हेलो अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं आखिर वो है क्या, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हम लोग किस पार्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद जो जिक्र करेंगे उस कंपाउंड को निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या चीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में जो इसको बांटते हैं, जब हम लोग उस कंपाउंड को निर्माण कर लेते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टी हम लोग को 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग दोनों चीज़ का बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, किसका बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ में जो बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसका बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लियर। तो बस इतना ही सर हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर हम लोग को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हर चैप्टर का पढ़ने का तरीका सिर्फ इतना ही, हम लोग उसको कितना पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, और इंट्रोडक्शन में जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम लोग देखते हैं उसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर देखने के बाद जो हम लोग रहता है वो रहता है हम लोग को आइसोमेरिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट को 3 पार्ट में बांटते हैं, जो कि हम लोग को सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अगर जो भी चैप्टर का पढ़ रहे हैं तो उसका किस टाइप का, कितने प्रकार में उसको क्या चेक किया गया, क्लासिफाई किया गया। जब उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जेमिनल टर्मिनल जो आपको पढ़ाया है पहले से, क्लियर होगा ये सारा कुछ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका नोमेनक्लेचर, अगर किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, जिसमें से नोमेनक्लेचर हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में वहाँ पर जानते हैं, जो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो रहता है आइसोमेरिज्म। तो ये तीनों पार्ट को मिलाने से हम लोग को क्या पार्ट खत्म होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद जब उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सीख जाते हैं तो उसके बाद हम लोग उस चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ का हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो कंपाउंड को कैसे निर्माण किया जाएगा, उस कंपाउंड को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी को प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पहले बता दे रहे हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसके लिए हम लोग 3 लेक्चर्स पहले भी कवर कर चुके हैं, बेसिक से लेकर के, ठीक है, तो वहां पे आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, जैसे फिजिकल होता है, जैसे इनऑर्गेनिक होता है, उस प्रकार से हम लोग लेकर के नहीं चलते ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का पढ़ने का तरीका है कि अगर आप ये चैप्टर
में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर में आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं, तो आपका जो आने वाला चैप्टर होगा जैसे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। कुछ कुछ समझेंगे लेकिन मैक्सिमम चीज़ आप वहाँ पे स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी हम लोग को कंटेंट यूज होगा वो सारा किसका होगा, हेलो अल्किन और हेलो अरिन का जा करके फिर से वहाँ पे यूज होगा। उसी प्रकार से अगर आप एल्कोहल को छोड़ देंगे तो फिर आगे आने वाला चैप्टर आपका जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोजलिक एसिड, फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे फिजिकल पढ़ते थे तो वहाँ पे रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लेते थे या पढ़ लेते थे तो हमें समझ में आ जाता था, एक दूसरे से कोई भी रिलेट करता नहीं था। इनऑर्गेनिक भी बहुत हद तक हम लोग को रिलेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक क्या होता है, अगर एक भी चैप्टर को मिस किए तो आगे वाला आने वाला में कोई भी चैप्टर आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट यही गलती करता है, फर्स्ट वाला ही चैप्टर को अच्छा समझता नहीं है। उसके बाद ये तो बात रह गया, और फिर दूसरा जो हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे समस्या आएगा सो समझिए, कोई इंसान ऐसा नहीं, मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ पे आएगा, जैसे मान के चलो आज का लेक्चर वो मिस कर दिया, और अगर वो कल का वीडियो देखने जाएगा फिर उसको नहीं समझ में आएगा, सर ऐसा आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो अभी कंसेप्ट पढ़ाएंगे वही चीज़ हम लोग को आगे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को एक भी लेक्चर, एक भी हम लोग के एक भी चैप्टर, एक भी लेक्चर हम लोग को मिस नहीं करना होता है। अगर हम लोग उसको मिस्टेक से छोड़ भी देते हैं तो उसको तुरंत से जा करके कवर भी कर लेना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए आज आपके पास वीडियो प्रोवाइड हुआ, आप उसको देख नहीं सके तो कोई बात नहीं, रात तक देख लीजिए, कल तक देख लीजिए, लेकिन उसको देख करके तभी आप अगला वाला लेक्चर को देखने जाइएगा। क्योंकि जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज रहा होगा वो हम लोग को पीछे कवर कर चुके हैं। तो इसी वजह से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। अगर आप लगातार वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ, वैसे स्टूडेंट को पहले हम इन्फॉर्म कर दे रहे हैं जो मेरे वीडियो में देखते हैं कि लगातार कमेंट पड़े हुए रहते हैं, जो कि बोलते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, हमें ये चीज़ करवा दीजिए, हमें वो चीज़ करवा दीजिए। हम पहले ही बता दे रहे हैं दोस्त, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका मार्क्स कहीं भी नहीं भागेगा। मतलब जितना भी आपका मार्क्स होता है वो आपका पूरा पूरी आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो क्या होता है, बहुत लोग क्या सोचता है ना कि हम यहाँ पे आवे और सिर्फ 30 मिनट का लेक्चर्स देखे और 30 मिनट में मेरा पूरा लेक्चर्स ख़त्म, मतलब हम पूरा चैप्टर को समझ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही इंसान यहाँ पे समझ सकता है जो पहले से अच्छा से पढ़ चुका है, उसको अगर वन शॉट वीडियोज़ में उसको सिर्फ रिवीजन करवाया जाए तो वही जाकर के 30 मिनट 35 मिनट में चैप्टर्स को समझ सकते हैं। अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े और सोचते हैं कि अगर एक वीडियो किसी का देख लेते और उसी से मेरा पूरा मार्क्स आ जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है, पहले बता दे रहे। और अगर वैसे स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं कि सिर्फ उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह से मतलब है, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं इसका अभी टाइम नहीं आया है। अभी हम वैसे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जिसका पहले से कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर किसी का कंसेप्ट क्लियर भी है तो उन लोग और भी बेहतर करना चाहते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और जो भी जुड़ रहे हैं वो पूरा पूरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना कंटेंट को मतलब कि ले रहे हैं और उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, इधर से क्वेश्चन ले रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, कोई क्वेश्चन बैंक देख रहा है तो कोई वहाँ मॉडल पेपर देख रहा है, तो ये तो वो, तो ये सब अगर करोगे तो कहीं से आप अच्छा नहीं कर पाओगे। पहले अपना कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद क्या करने की पहचान, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपके पास दुनिया का कोई भी कंसेप्ट का अगर मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, ईजिली हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के पीछे जाएंगे, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करेंगे, तब आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिलने वाला नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब स्टूडेंट जुड़े जो चाहते हैं कि अपना कंसेप्ट को और बेहतर करें और हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, उस लेवल का हम यहाँ पे प्रिपरेशन करें, तो वही सब स्टूडेंट यहाँ पे स्थिर रहे। बाकी आप जा सकते हैं, ठीक है, जाइए, और भी यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा मिलते रहेगा जो कि आपका ज़िंदगी में काम देने वाला है नहीं। ठीक है, चलो, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बार आप ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। आपसे रिएक्शन जो नहीं बनता था वो रिएक्शन से ईजिली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन जो है आपका क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो बोला जाए तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं एक या दो नंबर कभी कभी, तो उसको भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो रिएक्शंस वगैरह जो होता है जहाँ से हम लोग को समझ नहीं आता है, वो पार्ट अभी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चीज़ करने जा रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
और हम लोग जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, हेलो अल्केन का, किसका कर रहे हैं, हेलो अल्केन। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हाँ, रही बात, आज से नोट्स आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नोट्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, आप कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले ये जो चैनल आप देख रहे हैं, चैनल में कहीं भी किसी भी वीडियो में जा करके उसका जो रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जा करके चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक डाला हुआ रहता है, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पर इसी में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी का कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर ऊपर ही जो आपका पिन किया हुआ जो रहेगा वहीं पर आपका टेलीग्राम का भी लिंक डाला गया है, ठीक है, वहाँ पर। तो उसके थ्रू भी आप जा करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है, एक चैनल बनाया गया है। यहाँ पर ग्रुप में क्या करेंगे, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होता है तो वहाँ पर चैटिंग वगैरह कर पाते हैं आप, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसको इस मकसद से बनाया गया है ताकि आप घर में रहेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहे, कोई भी सवाल में आप फंस रहे तो यहाँ पे जा करके अपना सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं अगर किसी को आता है तो वो आपको मदद कर ही देंगे, अगर उनसे नहीं हो पाता तो लास्ट टाइम है ही तो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला करके यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन के मकसद से ये ग्रुप को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो यहाँ पर बनाया गया वो बनाया गया चैनल, क्या बनाया गया है, चैनल। तो चैनल में वहाँ पर करके ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल में, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे थ्रू वहां पे सारा, वहां पे जितना भी कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ मेरा रहेगा, मतलब आप वहाँ पे रिप्लाई वगैरह कर नहीं सकते। और ये इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पे जितना भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल वहाँ पे डाला जाएगा। अगर सब कुछ एक ही चीज़ में हो जाए ग्रुप में ही, जैसे मान के चलिए आप कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेज भी हो रहा है, रिप्लाई भी हो रहा है, उसी में स्टडी मटेरियल भी डाला जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि खोज नहीं पाते कि किधर क्या है मेरा कंटेंट। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बनाया गया चैनल, ताकि वहाँ पर जितना भी PDF वगैरह रहेगा, क्वेश्चन वगैरह जो आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप वहाँ पर आसानी से ढूंढ सके, ठीक है। जैसे स्क्रॉल करेंगे, अच्छा ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जा सकता था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप आज जुड़ रहे हैं तो पिछले वाला में क्या वहां पे मैसेज किया गया था ये आप सीन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे टेलीग्राम वाला में ऐसा नहीं होता, पहले कितना वहां पे डाला गया है कंटेंट वो सारा कुछ आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए यहां पे किया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किससे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी नीचे लिंक डाला हुआ है, उसमें जाइएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि होता है क्या, बहुत लोगों का आदत होता है कि कोई भी मैसेज, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो उसका इन्फॉर्मेशन का प्राप्त करने में, जैसे टेलीग्राम जल्दी कोई खोलता नहीं, इसको तभी खोलता है जिसका पढ़ने का वहाँ पे मकसद रहता है। तो जनरली जो स्टूडेंट जो खोलता है वो क्या खोलता है, व्हाट्सअप। तो अगर कुछ नोटिस आना है कि वीडियो प्रोवाइड हुआ कि क्या हुआ या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हमें देना है तो उसको कहाँ पर देंगे, व्हाट्सअप पर। तो इसका भी लिंक डाला हुआ है, सभी को वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। हाँ, बहुत लोग का मन में सवाल ये भी होगा कि सर पहले तो आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे, आज आपको क्या हो गया। तो थोड़ा सा मेरा तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, अब थोड़ा सर्द का महीना चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि समस्या तो आती ही है, तो थोड़ा सा बुखार टाइप से लग रहा है, इस वजह से थोड़ा मेरा एनर्जी लो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए, हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा हाँ, पहले भी नोट्स आपको आज मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कीजिए, समझिए। आपको बोला गया था दो कॉपी रखना है, एक नोट्स और एक क्या चाहिए, रफ। तो अभी आपके पास क्या होना चाहिए, रफ। कुछ लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा यहाँ पे, बाकी नोट्स कैसे बनाना है तो नोट्स का आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा, PDF को आराम से लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो मेन, पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं फोकस के साथ देखिएगा, डेडिकेशन के साथ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इधर उधर के इन्वॉल्व में नहीं फंसिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात जो हम लोग को प्रिपरेशन करना है वो कहाँ से करेंगे, हेलो अल्केन का। तो हम लोग सबसे पहले जो प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं फ्रॉम अल्केन से, कहाँ से करते हैं, फ्रॉम अल्केन से। फ्रॉम अल्केन कहने का मतलब कोई भी हम लोग का हाइड्रोकार्बन जो अल्केन होता है उससे हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या चीज़, हेलो अल्केन। अच्छा सर, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता था, अल्केन में हाइड्रोजन का रिमूव कर देंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग हैलोजन को ऐड कर देंगे, तो उससे मिलने वाला कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते थे, हेलो अल्केन। तो उसी को यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या मदद लेना पड़ता है, अल्केन, क्या लेना पड़ता है, अल्केन। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग को CH3CH2। अगर इसका जनरली अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पर, तो यहाँ पे लिखेंगे RH, क्या लिखेंगे, RH। जहाँ पर जो R दिखाता है ये दिखाता है कार्बन की संख्या, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन,
क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, कि कार्बन वहाँ पे कितना, मतलब कार्बन चेन वहाँ पे कितनी कार्बन का है। तो यहाँ पर हम लोग को जो R दिखाता है वो क्या बताता है, कार्बन को। जैसे कि मान के चलो R के जगह में क्या हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है, दो कार्बन हो सकता है, तीन कार्बन, इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे शो किया बनेगा। जब हम लोग जनरली सभी को लेकर के चलते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R, क्या लिखते हैं, R। तो ये हम लोग को होता है अल्केन, और अल्केन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब भी हम लोग अल्केन को दिखाते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से रहता है, क्या से रहता है, सिंगल बॉन्ड। जिसमें लोग को डबल बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं अल्केन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्केन। तो अभी पढ़ किसको रहे हैं, अल्केन, कहाँ से निर्माण कर रहे हैं, अल्केन से, मतलब क्या रहेगा, चारों बॉन्ड हम लोग को क्या रहेगा यहाँ पे, सिंगल सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग अल्केन का फॉर्मूला कुछ भी ले लीजिए ना, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, कुछ भी, तो हम लोग सिंपल ले लेते हैं एक कार्बन का। तो यहाँ पर एक कार्बन का अगर अल्केन लेंगे तो यहां पे होता है CH4, क्या होता है, CH4, जिसको हम लोग बोला करते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं यहां पर, मीथेन। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मीथेन कोई भी हम लोग यहाँ पे अल्केन लेंगे उसको हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे। एक टर्म्स का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या करेंगे, उसको हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब सर हैलोजन क्या होता है, तो हैलोजन होता है X2, क्या होता है, X2। एक्स क्या होता है सर, यहाँ पर हैलोजन बताता है कौन कौन हो सकता है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा वो एक्स में हम लोग को क्या होता है, इधर लिख देते हैं, X बराबर क्या होता है, हैलोजन, क्या होता है ये, हैलोजन। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग हैलोजन के साथ इसको रिएक्शंस करते हैं, लेकिन किसी के प्रेजेंस में, किसी के प्रेजेंस में क्या, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक अल्केन ले लेते हैं, वहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले लेते हैं, मतलब कोई भी हैलोजन ले लेते हैं, उसको रिएक्शंस करवाते हैं, लेकिन किसी के प्रेजेंस में, किसी के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब जो सूर्य की प्रकाश होता है उसके उपस्थिति में जब उन लोग को रख देते हैं तो वहाँ से रिएक्शंस करके हम लोग को क्या बनता है, हेलो अल्केन बनता है। तो यहाँ पर देखो सनलाइट लिखेंगे, और सनलाइट को हम लोग पूरा लिख देंगे यहाँ पे सनलाइट, और ये जो सनलाइट है इसी को शॉर्ट में लिखा करेंगे SL, क्या लिखेंगे, SL। तो कभी कभी सनलाइट पूरा लिखा रहेगा या फिर SL लिखा रहेगा, तब भी आपको समझना है क्या लिखा है वहाँ पे, सनलाइट लिखा है। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से लिखते हैं, वो लिखते हैं H और यहाँ पे लिखते हैं न्यू, क्या लिखते हैं, H न्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या रहेगा, मैक्सिमम जगह जो देखने को मिलेगा वो ये लिखेगा, सनलाइट लिखा भी मिल सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो क्या मिलेगा, H न्यू। तो कभी भी अगर H न्यू देखने को मिला तो वो हम लोग को क्या दिखाता है, सनलाइट को ही दिखाता है, क्या दिखाता है, सनलाइट। तो सनलाइट को दिखाने का जो उसका सैम्बल होता है वो हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, H न्यू से, और उसको पूरा पूरी अगर लिख दिया सनलाइट तो और भी बेहतर है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग हैलोजन लेते हैं तो ये हैलोजन हम लोग को रेडिकल में टूटता है, और रेडिकल में कहने का मतलब एकक इलेक्ट्रॉन दोनों में टूट जाता है, तो ये भी एक रेडिकल में टूट जाता है और वो भी रेडिकल में। खैर अभी रेडिकल वगैरह आपको जानने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल समझिए कि इस रिएक्शन को आप कैसे समझ पाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे कोई अल्केन लेते हैं उसको रिएक्शंस कराते हैं हैलोजन के साथ, किसके साथ कराते हैं, हैलोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग SL से भी दिखाया जा सकता है या फिर उसको क्या दिखाते हैं, H न्यू। ज़्यादा हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, H न्यू मिलेगा। इससे होता क्या है सर, जब भी हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस करवाएंगे तो एक हैलोजन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दो हैलोजन है तो यहाँ पे एक उठेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा, बात को समझ रहे, तो हाइड्रोजन के जगह में कौन लग जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा आपका हैलोजन, और हाइड्रोजन किसके साथ चल जाएगा, एक और हैलोजन बचेगा उसके साथ बना लेगा HX, क्या बना लेगा, HX। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या क्या बनेगा, यहाँ पे चार गो हाइड्रोजन था कार्बन के साथ, बचेगा कितना, तीन गो, एक गो हट जाएगा, यहाँ पे कितना हैलोजन था, दो गो, एक गो आ जाएगा इसके पास, तो एक गया और इसके पास हम लोग को लग गया, क्या बन गया वहाँ पे, CH3X बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एक हैलोजन बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन मिल करके एक बना देता है HX, क्या बना देता है, HX बना देता है, एक हाइड्रोजन वहाँ वाला, और यहाँ पे जो भी हैलोजन एगो रहेगा वो जाकर के इसके साथ बना लेगा, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, मतलब एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड। तो ये हम लोग को तरीका है कि कैसे हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी कहाँ से, अल्केन से। तो अल्केन से फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, तो हम लोग सबसे पहले अल्केन लेते हैं, उसको हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, तो कोई भी हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट को हम लोग H न्यू से दिखाया करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है, एक हाइड्रोजन हटता है अल्केन से और उसके जगह में कौन लग जाता है,
हैलोजन लग जाता है। बात को समझ में आया? तो ये तो हम लोग को एक प्रोसेस था। अगर फिर से हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ले लेते हैं, जैसे मान के चलो X2 ले लिए, क्या चलिए X2, अब X2 की जगह में कुछ भी ले सकते हो, BR ले लो, क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इसको फिर से तुम रिएक्शंस करवा दिया किसके साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में X2 के साथ, तो फिर वही कहानी, एगो फिर हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या जोड़ देगा, हैलोजन लगा देगा। मतलब यहाँ पे जो तीन को हाइड्रोजन दिख रहा था अभी कितना दिखेगा, दो गो, और यहाँ पे अभी एक हैलोजन था अभी हो जाएगा कितना, दो गो। अब मन में आ रहा होगा कि सर फिर से करा देंगे तब? हाँ, फिर से हम लोग कराएंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग ले लिए Cl2, मतलब अभी तो X ले रहे हैं, और फिर इसको हम लोग सनलाइट ले लिए, क्या ले लिए, सनलाइट। तो अभी फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके जगह क्या लग जाएगा, हैलोजन। तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग को क्या चाहिए, CH, यहाँ पे बन जाएगा X, इधर से भी X और इधर भी क्या बन जाएगा, X। के बात को समझ रहे? मतलब जितनी बार हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस करवाएंगे किस में, अल्केन में, तो उतना बार हम लोग को हैलोजन क्या होते जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। हम लोग को सिर्फ इस रिएक्शंस में याद रखना है, जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन के बारे में, अब हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्माण करने का भी एक मेथड पढ़े, क्या चीज पढ़े, एक तरीका कि सर हम लोग एक अल्केन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अल्केन, कोई भी अल्केन, कितना भी कार्बन का चेन हो, तो अल्केन ले लेंगे, उसको रिएक्शंस करवा देंगे हैलोजन के साथ। किसके साथ करेंगे, हैलोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट रहेगा तभी वो रिएक्शंस करेगा। तो वहां से होता क्या है कि जो अल्केन रहता है वहां से हाइड्रोजन हटता है और उसके जगह में कौन लग जाता है, मतलब हैलोजन लग जाता है, और उससे मिलने वाला जो भी कंपाउंड बनता है उसी को तो हम लोग क्या बनते थे, हेलो अल्केन बोलते थे, क्लियर है। और साइड में क्या बनेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां से एक हैलोजन, दोनों मिल करके क्या बना लेगा, HX बना लेगा, कोई दिक्कत। और जितना बार यही प्रक्रिया करवाओगे, मतलब हैलोजन को ले गया, उसके जगह में हम लोग क्या किए, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दे रहे, तो वो सारा हम लोग क्या करेगा, हाइड्रोजन को फेंकेगा बाहर और उसके जगह में कौन लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा। क्या आसान है तरीका कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार से ये तो हम लोग को जनरल है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कोई भी यहां पे अगर तुम्हें लेना है, जैसे मान कर चलो X2 की जगह हम क्या लोगे, तुम्हें लेना है कि नहीं सर यहाँ पे हम लोग Cl2 ले लेते हैं, क्या चले लेते हैं, Cl2। तो बताओ यहाँ पे X के जगह में क्या लग जाता, अरे यहाँ पर हम लोग को Cl लग जाता और यहाँ पर भी तुम्हारा कौन निकलता, Cl। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो को Cl था तो एक इसके साथ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। अब फिर यहाँ पे तुम क्या ले रहे हो, Cl2 ले रहे हो, क्या चले रहे हो, Cl2। तो बताओ यहाँ पर भी तुम्हारा कौन जुड़ा है, Cl, तो यहाँ पर भी कौन जुड़ जाएगा, Cl। उसी प्रकार से यहाँ पर तुम क्या ले रहे हो, Cl2 ले रहे हो, तो अभी फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl। क्या बात समझ में आ रहा है, चलिए। ये तो हम लोग को एगो कार्बन था, अब मान के चलो अगर दो को कार्बन रह गया तब हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग जैसे मान के चलो इथेन ले लेते हैं, क्या चले लेते हैं, इथेन, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन, दो को कार्बन का, ये हम लोग को अल्केन लिए कितना कार्बन का, दो कार्बन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। अब देखो इसको फिर से मान के चलो ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अच्छा मैंने बता रहे हैं हैलोजन को हम लोग एक्स के रूप में नहीं, यहाँ पे X2 के रूप में लेंगे, किस में लेंगे, X2 में, क्योंकि जब भी हैलोजन रहता है वो 2 के फॉर्म में रहता है, कैसा फॉर्म में रहता है, 2 में, ठीक है, उन लोग मॉलिक्यूल रहता है, एटम नहीं रहता वहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो अब इसको रिएक्शंस करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। पहले बताएं HNO को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सनलाइट, पूरा पूरी सनलाइट भी लिख सकते हो या फिर क्या दिखाना पड़ेगा, HNO, ज़्यादातर देखने को यही मिलेगा। अब ये करता क्या था सर, तो ये होता क्या था, एक ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, चाहे इसमें जोड़ो चाहे इससे हटाओ, तो किसी से भी हटा दो, तो CH3CH2, इसमें तीन गो था अभी कितना हो गया, दो गो, और यहाँ से एक ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अब यहाँ पे समझ गया साइड में क्या तुम्हारा निकल जाएगा, HBr। उसी प्रकार से अगर मन है कि फिर से तुम क्या ले लो, Br2 ले लो, क्या चले लो, Br2, और फिर यहाँ पे सनलाइट ले लो, तो अभी फिर क्या हो जाएगा, CH3CH, और यहाँ पर हो जाएगा Br, और इधर क्या हो जाएगा, Br। अरे एक हाइड्रोजन हटा ना जी, अब यहाँ पर भी तुम्हारा HBr निकलेगा, तो बार बार क्यों लिखेंगे, जान रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे वही बनेगा। अब यहाँ पे फिर से अगर मन किया कि सर फिर से हम लोग ले लेते हैं ना Br2, और फिर यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या बनेगा, तो हम लोग को फिर देखो CH3C, यहाँ पे Br, और यहाँ पर बनेगा Br, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, Br। क्या आसान है यहाँ पर, अरे आसान है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या होता है, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला प्रिपरेशन हम लोग तैयार करना सीखे वो कहाँ से किए,
हम लोग अल्केन से, कहाँ से किए, अल्केन से, कि कोई भी अल्केन ले लेंगे, उसको हैलोजन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग वहाँ से निर्माण क्या हो जाता है, हम लोग को हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद है रिएक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स में, ठीक है, आप उसको देख करके आराम से लिखते रहिएगा, पीडीएफ देख देख करके। अब जो हम लोग को दूसरा जो पढ़ना है वो हम लोग कहाँ से और भी निर्माण कर सकते हैं, तो ये रह गया हम लोग को अल्केन का, कहाँ से हो गया, अल्केन। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्किन से, कहाँ से पढ़ेंगे, अल्किन से, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम अल्किन, कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम अल्किन। अब यहाँ पे देखो अल्किन से रिएक्शन जो कराते हैं वो हम लोग को दो कराएंगे, यहाँ पे कितना कराएंगे, दो। अब हालांकि यहाँ पे चार रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं एक नेमिंग रिएक्शन है, क्या है, नेमिंग रिएक्शन। और नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, तो कोई भी साइंटिस्ट किसी रिएक्शंस को करता है तो उसको अपने नाम से ही उसको बोला जाता है कि ये जो रिएक्शंस है वही साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे अभी पढ़ेंगे मार्कोवनिक रूल, क्या पढ़ेंगे, मार्कोवनिक रूल, तो वो एक मार्कोवनिक एक साइंटिस्ट था जो एक रिएक्शंस को करवाया और उसी के रिएक्शंस को उसी के नाम से जाना जाने लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोवनिक रूल। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहली बात कि अल्किन किसको बोलते हैं, तो अल्किन बोलते हैं जहां पे हम लोग को डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि सर यहां पर CH2CH2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथीन। अरे बात समझ में आ गया ना, अब अल्केन, अल्किन, अल्कैन के बारे में जानते हो क्योंकि IUPAC नेम देखने गया होगा तो उसमें तो आप समझ ही गया होगा, है कि नहीं। चलो अब जब समझो यहाँ पे कि जब हम लोग इथिन लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दो रिएक्शंस करवाते हैं, क्या कराते हैं, दो रिएक्शन। अब कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को देखते हैं मार्कोवनिक और क्या देखते हैं, एंटी मार्कोवनिक। अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट आया, अच्छा उससे भी पहले आप लोग को बता लेते हैं, खैर अभी छोड़ो बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी समझो कि एक आया था साइंटिस्ट मार्कोवनिक और उसी में सिर्फ बगल में क्या लिख दिया, एंटी मार्कोवनिक, इसका मतलब जो मार्कोवनिक ने रिएक्शन किया था उसी का जस्ट ऑपोजिट किया था, इसी चलते उस साइंटिस्ट का नाम से जाने गया, क्या चाहिए, एंटी मार्कोवनिक। वो साइंटिस्ट खैर कोई और था लेकिन जो रिएक्शन किया था वो मार्कोवनिक के रिस्पेक्ट में ही दिया गया, लेकिन उसका उल्टा काम कर रहा था, कैसा कर रहा था, मार्कोवनिक का जस्ट उल्टा, इसी प्रकार से वहाँ पर लिखा गया, क्या चाहिए, एंटी मार्कोवनिक। सबसे पहले समझते हैं मार्कोवनिक ने क्या बोला, हम लोग दो चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, मार्कोवनिक रूल और एक होता है हम लोग को एंटी मार्कोवनिक। तो यहाँ पे हम लोग को दो साइंटिस्ट दिया था रिएक्शन, सबसे पहले दिया था मार्कोवनिक और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को एक साइंटिस्ट आया था तो रिएक्शन किया था, लेकिन उसका उल्टा किया था, क्या जो हो गया था, उल्टा प्रोडक्ट बनाया था। इसी प्रकार से हम लोग जो मार्कोवनिक का प्रोडक्ट आया था, इसका जो प्रोडक्ट था एक दूसरे से उल्टा था, इसी चलते इसको मार्कोवनिक रूल से जाना गया, इसको क्या चाहिए, उसका उल्टा था, एंटी का मतलब उल्टा, इसी चलते इसको बोला गया, क्या चाहिए, मार्कोवनिक का ही उल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो क्या क्या बोला गया था, तो यहाँ पर जैसे हम लोग अल्किन लेंगे कोई भी, क्या चलेंगे हम लोग, अल्किन। चलो इसको और भी इधर हम लोग बढ़ा देते हैं, चलो इधर मान के चलो कोई आर लगा हुआ है, मतलब मान के चलो यहाँ पे अल्किन था, इधर हम लोग को कुछ भी और भी कार्बन की स्ट्रेन लगा हुआ है, अरे इधर लग सकता है ना, जैसे तीन को कार्बन का हो सकता है, चार को कार्बन, तो कहीं एक जगह हम लोग को क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अब देखो इसमें अल्किन में हम लोग को क्या होगा, तो अभी इसको डायरेक्ट अल्किन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्किन, क्योंकि अभी पता नहीं कि कितना कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे आर लगा दिया मतलब इधर और भी कार्बन का चेन हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या था, हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस करवाएंगे HX के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HX के साथ, क्या बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो HX के साथ जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होता है। अब ये जो HX है, यहाँ पे HX में देख रहे हो इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर इसके साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो ये जो हैलोजन है, ये दोनों इस अल्किन में जाकर के बॉन्ड बनाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि ये जो बॉन्ड जो डिसोसिएट होता है, कौन, अल्किन, ये हम लोग को दो तरीके से ये बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। एक तो होता है जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया रहता है इसमें बॉन्ड बनाने में हम लोग को दो दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, जिसमें से ये भी शेयर किया होगा और ये भी शेयर किया होगा। अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये लोग क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ये बॉन्ड को तोड़ने का दो तरीका है,
यहाँ पे अगर बराबर बराबर यहाँ पे टूट जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलैटिक, क्या बोलेंगे, होमोलैटिक, मतलब बराबर बराबर में तोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एगो ये ले लेगा और एगो ये ले लेगा। बताओ कहीं भी किसी का नुकसान हुआ नहीं, एगो इसका था एक इसका था, दोनों अपना अपना ले लिया, लेकिन बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब एक तो तरीका ये था, एक तरीका और भी देखो क्या जैसा तोड़ सकता है इसको। एक तो देखो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक कार्बन ले ले, क्या कर ले, एक कार्बन अपने तरफ शिफ्ट कर ले। तो उस कंडीशन पे देखो इसका भी इलेक्ट्रॉन ये चुरा करके ले जा रहा है। तुम लोग जानते हो कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाता है तो उसके ऊपर कैसा चल जाता है, नेगेटिव, और जिसका चल जाता है उसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव। तो अभी देख रहा है इस वाला कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जैसे टूटेगा तो टूटने के बाद क्या बनेगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कैसे आ रहा, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है यहां तक? एक और तरीका है, उसी प्रकार से हो सकता है, अब ये इधर से टूट जाए, अगर ये दोनों उठ करके उसके पास चल गया तो अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अरे तो यही तीन ना कंडीशन है इसका बॉन्ड को तोड़ने का, तो यही तीन कंडीशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल में नहीं तोड़ रहे, अभी जो हम लोग तोड़ रहे हैं वो हम लोग इस प्रकार से, जब फ्री रेडिकल मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं होमोलैटिक, और जब हम लोग किसी एक तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलैटिक, और ये दोनों का दोनों किस प्रोसेस से हो रहा है, हेट्रोलैटिक से हो रहा है। क्लियर है तक? तो या तो फिर इधर तोड़ सकता है या तो फिर उधर तोड़ सकता है, इतना क्लियर है। खैर इसका बात हम लोग बाद में भी करेंगे, ठीक है, अभी पहले मार्कोवनिक का समझ लो, उसके बाद एंटी मार्कोवनिक को समझ लो। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गया ना, कि एक हम लोग पॉजिटिव भी, जैसे अभी यहाँ पे देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का भी हो रहा है, नेगेटिव का भी। अरे किसी एक के पास क्या जा रहा था, नेगेटिव, और किसी एक के पास क्या जा रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। अभी सिंपल से समझो यहाँ पर कि मार्कोवनिक क्या बोला और एंटी मार्कोवनिक क्या बोला। मार्कोवनिक क्या बोला कि जो हैलोजन है, क्या चीज़ है, हैलोजन, कहाँ पर हैलोजन है, यहाँ पर, तो ये हैलोजन जा करके उस कार्बन के पास जा करके अटैच होगा। जैसे आप लोग को तो पहले भी पता है कि नेगेटिव किसके साथ जुड़ना चाहता है, पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ना है, नेगेटिव के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में रखा जाए तो इन लोग क्या करता है, रिपल्सन करने लगता है। उसी प्रकार से नेगेटिव नेगेटिव को रखेंगे तो इन लोग भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को रखेंगे तो इन लोग क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव को रखेंगे तो इन लोग भी क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे यहां पर एच एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एच एक्स, तो यहां पर नेगेटिव भी और क्या है, पॉजिटिव, और हम लोग जान रहे हैं कि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पहले से टूटता है। क्लियर है? तो अभी किधर से टूट रहा है इसका हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन एक चीज तो समझ में रखना चाहिए कि यहां पे अगर नेगेटिव है तो यहां पर ये दोनों में से किसी एक के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये किसी एक के ऊपर जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो यहां पे डिसोसिएशन होगा इसका बॉन्ड का, तो अभी देखो इस सब हम लोग को नहीं देखना, डायरेक्टली जवाब क्या देना है, मार्कोवनिक के अनुसार मार्कोवनिक बताया था कि जिस कार्बन के पास, सबसे पहले देखना है डबल बॉन्ड के वाला के साथ, किसके साथ देखना है, जहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड रहे वहाँ पर देखना है, जो कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये जो हैलोजन है वो जाकर के उसी के पास क्या करेगा, जुड़ेगा, क्या करेगा, उसी के साथ जाकर के जुड़ेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, दो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक, तो ये जो है मार्कोवनिक बोला था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा हैलोजन जाकर के उसी कार्बन के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये जाएगा इसके साथ नहीं जुड़ने, कहाँ पर जाएगा, इसके साथ जुड़ने। तो इसका मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन था, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सी एच टू। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सो यहाँ पर दो को हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे टूट रहा है तो ये जो हाइड्रोजन आ करके जिसके पास हम लोग हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा उसी के पास क्या करेगा, वो जा करके बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर दो था तो अभी क्या बन जाएगा, तीन।